दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के नेतृत्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कला संकाय के पोर्टिको में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने योगाभ्यास कर निरोगी काया का मंत्र लिया तथा कुलपति द्वारा योगा करने आए कुछ छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में योगाचार्य राजेश्वर यादव, डॉक्टर दिनाय मल द्वारा अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रमणी, ताड़ासन, सरीखे तथा प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि आज पूरी दुनिया में योगा दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री के यूनाइटेड नेशन में योग को उसकी असली जगह दिलाई है। इसका मकसद योग के माध्यम से निरोगी काया की अहमियत को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है, जो मानव के शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्राकृतिक विधा है, जिससे हम अपने तन मन तथा मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। योग करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस अवसर पर योगाचार्य राजशेखर यादव, डॉक्टर विनय कुमार मल, अंजलि गुप्ता, प्रोफेसर अजय सिंह, प्रोफेसर विश्वेश्वर प्रसाद, कुल सचिव संत प्रकाश सिंह सहित अन्य विभागाध्यक्ष, आचार्य, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, चक्की बाहर और सबको कमर दर्द, कमर पर मोटापा,
कमर कमरा हो जा रहा है, कभी हाल हो जाए बहुत बुरा हाल। नहीं करेंगे, कमर दर्द में मना है। जिनको नहीं हो रहा है तो समय ही का रेस्टरूम बना लो। तो आप सभी तारासन कीजिए सुबह, पेट बिल्कुल साफ, पेट सफा, सब रोग दफा। ज्योतिर्गमय मृत्योमा मृतम गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति शांति शांति। त्रिपाठी आपदा प्रबंधन के छात्र हैं, छात्रा हैं, ये राष्ट्रीय सेवा योजना। और देश कुमार आठवां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इस दिवस पे हम लोग ने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। विश्वविद्यालय के एनसीसी के छात्र, रोवर्स रेंजर के छात्र और एनएसएस के छात्र, सारी फैकल्टी और पीएचडी और पीजी स्टूडेंट्स सब यहाँ उपस्थित थे। मैं इस दिवस पे सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि ये दिवस योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर मानवता के लिए मनाया जा रहा है। इस टूर पे हम करेंगे और इस दिवस पे विश्वविद्यालय एक कार्यक्रम करीब 14 दिन का एक योगा शिविर लगाने जा रहा है फ्री में अपने छात्रों के लिए और अपने टीचर्स के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए। जनमानस से यही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इसलिए मनाया जाता है, योगा एक विश्व को भारतीय देन है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 177 कंट्रीज के साथ ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की कहा है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको योगा करें, अपनी दिनचर्या में लाएं और अपना वे ऑफ लाइफ इससे बनाएं, हेल्थ सुधारें, अपना मानसिक संतुलन रखें। यही मेरे विचार हैं। धन्यवाद।